फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई फैशन अप चैनल। दिस इज मी भावना शर्मा ने रियली विश यू ऑल अडिंग फाइन। तो जैसा मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस करती हूँ, हमेशा कुछ न्यू न्यू लेके ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चाहे वो सूट्स हो, लहंगे हो, गाउन्स वगैरह हो या ब्लाउजेस के डिजाइन वगैरह। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। सो इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं अपने डेली लाइफ स्टाइल के साथ साथ ना कुछ ब्लाउजेस लहंगे वगैरह का कलेक्शन हमेशा शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी मैं इनमें क्लिक करा के अपलोड करती रहती हूँ, इनकी भी पिक्चर्स वहाँ पे हैं, आप लोग जाके चेक करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @bhavnafashionup। सो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। नंबर वन पे जो मैंने ड्रेस रखा है वो एक स्काई ब्लू कलर का है। ड्रेस का लुक आप लोग देख लीजिए, ये जॉर्जेट का स्काई ब्लू कलर का प्लेन फैब्रिक था, जिसको मैंने इस तरीके से कुछ डिजाइन किया। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एडमायर द नेक पार्ट। नेक इसका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। यूनिक इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें ना पैचेस अटैच किए हैं। ये 2 रुपए में एक फ्लावर वगैरह मिलते हैं कुछ ऐसे समथिंग स्टोर वगैरह, आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना तो वहां पे मिल जाएंगे आप लोगों को। सो पैड अटैच कर रखे हैं बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नेक से शेयर है, तो मुझे इनर के लिए जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हमेशा ना पैड वगैरह अटैच कर लेती हूँ, चाहे वो सूट हो, ड्रेस हो, गाउन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्लीव की बात करें तो स्लीव मैंने इसमें फुल स्लीव लगाई है, जहां पे मैंने ये लेस भी अटैच कर दी है थोड़ी बड़ी सी। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं वेस्ट एरिया पे मैंने एक लेस अटैच की है, लेस आप लोग देख सकते हैं। लेस का ना लुक मैंने इस तरीके से इसलिए रखा क्योंकि मेरा मोटिव ये था इसको लगाने का, कि अगर हम इसको ना स्टाइल करना चाहें प्लाजो के साथ, प्लाजो के साथ भी कर सकते हैं, लेगिंग वगैरह के साथ, किसी भी मतलब लाइक मल्टी कलर में आप लोग कह सकते हो इसको स्टाइल कर सकते हैं स्कर्ट वगैरह के साथ। और बात कर लेते हैं बैक साइड की, बैक साइड भी मैंने थोड़ा सिंपल नहीं रखा, थोड़ा सा डिजाइन डाला है। डिजाइन है सबसे पहले मैं बताती हूँ, वीकअप शेप कट किया है, फिर उसके बाद मैंने लेस लगा दी, देन प्लेट लगा दी ताकि फिटिंग अच्छी तरीके से आए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना 2 डोरियों के सेट लगाए, देख सकते हैं आप लोग इसके जो 2 डोरियों के सेट है आप लोग देख सकते हैं होपफुली, जिसमें मैंने ना तो इन डोरियों में मैंने इस तरीके से कुछ लटकन बना के लेसेस के अटैच किए, और ये जो पैचेस जो मैंने यहाँ पे नेक पे लगाए थे उसको भी मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है। और आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा सा एक फ्लावर फॉर्मेट में हमारा लटकन रेडी हो गया, तो काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चाहो ना इसके अंदर कॉटन वगैरह फील कर सकते हैं, थोड़ा मोटा बाउंसी वगैरह बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा फ्लैट रखना था इसलिए मैंने इस तरीके से रखा। एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही डोरी के सेट लगाए, अगर आप लोग चाहो 3, 4, 5, 6 लगा सकते हैं, ज्यादा डीप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, छोटे गले में डोरी वगैरह ज्यादा अच्छी नहीं लगती। देन पूरा बैक साइड प्लेन है। नेक्स्ट मैंने ये प्लाजो रेडी किया है, इसलिए मल्टी वेज में क्रिएट किया है इसको, ताकि इस तरीके की ड्रेस वगैरह हो उसके साथ हम इसको पेयर अप कर सकते हैं, एंड काफी अच्छा लगेगा। मल्टी कलर में है ये भी, और यहाँ पे लेस वगैरह भी लगाई है, बाकी लेगी वगैरह से कुछ ऐसा सिमिलर मैच करते हुए हम लोग इसको वेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो स्टाइल जो है इसका बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट है, बहुत प्यारा लगेगा, कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा ये डिजाइन ऐसा है। आप लोग चाहो हैवी नेट वगैरह में से भी आप लोग इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रेस का लुक। सेकेंड जो मैं बात कर रही हूँ वो पूरा इंडियन टाइप का लुक है, पूरा इंडियन वियर है। ये एक ऑरेंज एंड ग्रे कलर का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन का मैंने ये ड्रेस रेडी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रेस मैंने कब के बना के रेडी कर लिए थे, बटन लाइन का नंबर ही नहीं आ रहा था आप लोगों के साथ शेयर कर पाने के लिए। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से, नेक इसका थोड़ा सा राउंड में थोड़ा सा बड़ा दिया है, एकदम राउंड लगा है। फिर उसके बाद ये वाला आप लोग पार्ट देख रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, ये मैंने शेयर रखा है, जिसको मैंने ना इस तरीके से लाइनिंग पे कट किया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा स्वीट हार्ट का शेप दिया है। एंड इसके बाद मेरे पास ये बॉर्डर अलग से था, इसके अंदर जॉइंट मैंने किया है कॉन्ट्रास्ट लगाने के लिए। ये ग्रे कलर का मेरे पास 5 मीटर था, जिसमें से ये मैंने स्लीव लगा ली एंड बाकी का फ्लेयर मैंने नीचे अटैच कर दिया। एंड इसी को मैंने इसमें से ना ये बटन वगैरह बना के यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, तो लुक अच्छा आ रहा है। तो नीचे से आप लोगों को ये 4 मीटर का फ्लेयर दिख जाएगा देखने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पे ये बड़ा चौड़ा सा ना बॉर्डर लगा दिया है इस तरीके से ग्रे कलर का, तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था। एंड इसका जो बैक साइड है वो फ्रंट की तरह थोड़ा सिंपल है, थोड़ा राउंड का नेक दे दिया थोड़ा सा डीप सा, एंड दैट्स इट। बैक साइड में प्लेट अटैच कर दी ताकि फिटिंग अच्छी तरीके से आ जाए। एंड इसके अंदर मैंने लाइनिंग अटैच की है,
और इसके साथ ना मतलब नीड नहीं होगी मैंने पूरा फ्लोर टच बनाया है कोई भी लैगी वगैरह कैरी करने की, ये सिंगल ही काफी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कुछ फैब्रिक हो, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो इस तरीके से आप लोग ड्रेस बनाओ, तो इसके साथ आप लोग इस तरीके से कुछ मैचिंग का हैवी सा दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये मेरे दो ड्रेस के डिजाइन, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार करूंगी सभी के कमेंट्स का। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे इतना सा भी, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना है। अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @bhavnasessionup, जैसे सबको पता है वहां पे मैं अपनी डेली लाइफ स्टाइल की चीजें शेयर करती रहती हूँ। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, टेक केयर।